खबर उत्तर प्रदेश बहराइच से। भागो भागो भेड़ी आया बिल्कुल ही ऐसा खौफ उत्तर प्रदेश का बहराइच जिन दिनों झेल रहा है। नेपाल की सीमा से सटे बहराइच के करीब 30 गांव के लोग पिछले 2 महीने से आदमखोर भेड़ियों से आतंकित हैं। आतंकित हो भी क्यों ना, भेड़िया अब तक 9 लोगों को अपना शिकार जो बना चुके हैं। पिछले 2 महीनों में 8 बच्चे और 1 महिला इन आदमखोर भेड़ियों की भेंट चढ़ चुके वहीं दो दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। जिले के मैसी इलाके में लोगों के लिए काल बने आदमखोर चौथे भेड़िया को भी वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। इससे पहले 3 अन्य भेड़ियों को भी वन विभाग पकड़ चुकी है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम ने मैसी के सिसैया के कछार में भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, जिसमें गुरुवार सुबह भेड़िया फंस गया। चौथे भेड़िये के पकड़े जाने की सूचना के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग के मुताबिक ये 4 भेड़ियों का झुंड था जो 8 बच्चों सहित 9 लोगों का शिकार कर चुका था। ऑपरेशन भेड़िया टीम की अगुवाई कर रहे बाराबंकी DFO आकाशदीप बांधवन ने बताया कि पकड़ा गया चौथा भेड़िया लंगड़ा है, वह शिकार करने में सक्षम नहीं है। इस वजह से उससे आसान शिकार की तलाश रहती थी। बच्चे उसके लिए आसान शिकार थे। इसी लंगड़े भेड़िया की वजह से झुंड के अन्य भेड़िये नरभक्षी हो गए थे। उन्होंने भी इसके द्वारा किए शिकार को खाया था। उनका कहना था कि ड्रोन कैमरे में 4 भेड़िये ही दिखे थे। बता दें कि बहराइच जिले के मैसी तहसील के 30 गांव में पिछले 45 दिनों से भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। भेड़ियों के झुंड ने अब तक 8 बच्चों और 1 वृद्ध महिला को अपना निवाला बनाया है। इतना ही नहीं, भेड़ियों के हमले में 30 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। इलाके की 50,000 की आबादी में भेड़ियों की दहशत ऐसी के लोग रात भर जाग कर पहरा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।